आपने पार्लियामेंट में भी स्पीच सुनी होगी बहुत बड़े नेताओं की बीजेपी से जो है वो कहते हैं 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं होगा जी। आपको मैं बता सकता हूँ, आप दूरी माप लें, सराय से गदपुरी कितना पड़ता है, सराय से बंदवाड़ी कितना पड़ता है, और सराय से सोहना कितना पड़ता है, और सराय से अटाली कितना पड़ता है। मथुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का 2 बार चुनाव आपकी पार्टी वहाँ हार चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मैं मानता हूँ इसको, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, और जोड़ देता हूँ, पिछली बार तो आपकी पार्टी एक निर्दलीय कैंडिडेट से हारी और 16,500 का बड़ा अंतर था। हमारी सरकार में कहीं कुछ कमियां रही होंगी तो पब्लिक ने उसका हिसाब भी बराबर कर लिया। मैं उसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मैं देता हूँ की मेरी सरकार ने, मेरी पार्टी ने किया तो ठीक किया, दूसरी ने किया तो गलत किया। हेम जी, कितना आपको लगता है प्रथला विधानसभा, जहाँ से आप तैयारी करने की बात आपकी चल रही है, हुड्डा साहब का सहयोग कितना मिलेगा? एक हमें पार्टी मौका देगी। हम 30 साल से लगातार पिछले से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और अगर पार्टी ने मौका दिया तो बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगता जा रहा है, यानी कि सावन के महीने में जहां एक तरफ मस्त फुहारें हैं, मौसम को वो कहीं ना कहीं शीतल करती हैं, भले ही बाहर निकल करके तो सावन का घाम भादो जैसा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चुनावी गर्मी है वो सावन की गर्मी पर भारी पड़ रही है। और इस लिहाज से आप देखें तो चुनावी मौसम के अंदर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हैं। कोई यात्रा कर रहा है, कोई जनसंपर्क अभियान कर रहा है, कोई डोर टू डोर कर रहा है, जैसे है जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, कुछ उसी अंदाज में वो लोग जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के हसीन ख्वाब संजोए हुए हैं या चुनाव मैदान में उतर करके दिखाना चाहते हैं कि हम में भी दम है, वो लोग भी इस समय पूरी तरह से जनता से जनसंपर्क बनाए हुए हैं। चाहे वो विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो एरिया कोई भी हो, और तमाम राजनेताओं की गतिविधियां ये बता देती हैं कि चुनावी पारा इस समय चढ़ा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं, कल उनकी यात्रा फरीदाबाद ज़िले में आएगी। उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल पलवल ज़िले में आएंगे, और पलवल और फरीदाबाद दोनों ज़िलों की कनेक्टिविटी का एक विधानसभा क्षेत्र है प्रथला, और उस प्रथला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से आजकल तैयारी कर रहे हैं, आपको जगह जगह उनके बोर्ड भी दिख जाएंगे, जनसंपर्क कर रहे हैं। हेम चौधरी, नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हेम जी, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, पहले तो मैं बग्गू जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ें निकाल के पब्लिक को अवगत कराते हो जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दौर में एक मीडिया की कुछ भूमिका लोगों में संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे, तो आप लोगों ने उसको बड़े बखूबी तरीके से लोगों में विश्वास जमाने की कोशिश की। तो जहाँ तक इलेक्शन की बात है जी, हम लोग तो ये बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ, प्रथला विधानसभा क्षेत्र से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, और प्रथला विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र है संपूर्ण जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, बिल्कुल कोई किसान बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें कोई कस्बा नहीं है और जिसमें कोई कॉलोनी नहीं है, कोई शहर नहीं है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, पूरे तरीके से रूरल है। इसमें लगभग 104 गांव पड़ते हैं जी, कुछ एक दो गांव जिसे ना हम देहाती भाषा या हिंदी की भाषा में या पटवारी की लैंग्वेज में बेचराग बोलते हैं, बेचराग वो गांव है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 104 के कुल इस विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग, आपने पिछले विगत काफ़ी दिनों से देखा है किसान किस तरीके से अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं जी, और उन्होंने अपनी समस्या बीजेपी के सामने, वो किसान आंदोलन करके हो या और बहुत सारे आंदोलन चले वो रखे, तो किसान बड़ा त्रस्त है इस सरकार में। तो हम लोग वही किसानों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं हम लोग सरकार के सामने उठाते रहे हैं,
तो यही हमारी तैयारी है। जहाँ तक देखिए, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ कॉमन सी समस्याएं होती हैं। जी जी, पब्लिक का सबसे पहले सड़क की व्यवस्था को देखती है। आप जाएंगे निकल के, आप यहाँ से पलवल जाते हैं या आप ने पूरे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं आप पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांवों से, आप देखेंगे इतनी बुरी दुर्दशा हुई पड़ी है सड़कों की, जो टूटे पड़े हैं। पिछले 5 साल से रोड बने नहीं, तो बनना बहुत दूर की बात है, उनकी मरम्मत भी नहीं कराई जा सकी। मैं आपको नाम लेके कह सकता हूँ, आप सीकरी में जाएंगे, सीकरी से आप वाया भनकपुर सिकरोना होते हुए ये मुख्य मार्ग है जो आगे सोहना रोड में जा लगता है, तो आप चलेंगे आप शायद निकलना भारी पड़ जाएगा। एक चीज और भी देख लें कि अगर हाईवे पे देख लें तो ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, अगर लिंक रोड पे सर्विस रोड पे ही आ जाए, वही हाईवे पे ही नहीं, हाईवे। आपने सीकरी की बात अभी की, तो सीकरी का पानी ऐसा जलभराव ऐसा होता है, बारिश हो ना हो, वहाँ चौमासा हो ना हो, पानी हमेशा भरा रहता है वहाँ पर। देखिए, मैं ये जहाँ तक जलभराव की बात है, वैसे पहले तो मैं आपकी बात को वहीं से शुरू करता हूँ, हाईवे को देखेंगे ठीक है, हाईवे को हमें दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए। आज आप देखिए, हम लोग फरीदाबाद रहते हैं जी, आप फरीदाबाद से बाहर निकल के कोशिश करेंगे एक मैं बिना टोल टैक्स दिए अगर कहीं जाऊं तो शायद वो संभव नहीं है। जजिया कर आप पलवल जाएंगे तो आपको गदपुरी पे टोल टैक्स देना पड़ेगा, आप दिल्ली जाएंगे आपको सराय पे टोल टैक्स देना पड़ेगा, आप सोहना जाएंगे तो आपको ध्वज के पास टोल टैक्स देना पड़ेगा, आप गुड़गावा जाएंगे तो आपको बंदवाड़ी के वहाँ टोल टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप इधर जो एक्सप्रेस वे बना है वहाँ से किसी आदमी को मान लीजिए दर्शन करने के लिए गंगा जी, उसमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तो उसको जाके अटाली के बाद चढ़ने से पहले सड़के तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई, अपना पे करो और वहां से निकलो, आप उसे कोई उपलब्धि नहीं कह सकते जी। हाईवे की स्थिति अगर अच्छी है आप उपलब्धि नहीं कह सकते। देखिए, आप बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जब कोई गाड़ी बनती है लगभग लगभग 50% के लगभग उस पर टैक्सेस के रूप में उसको जो बायर है उसको पे करना पड़ता है। उसके बाद हम गाड़ी जब वहाँ से परचेज करके ले आते हैं तो फिर एक टैक्स होता है जिसे रोड टैक्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन के नाम, बिल्कुल वो भी आजकल शायद मुझे लगता है 10% के आसपास हो गया। जब रोड टैक्स के रूप में सरकार ने ले लिया तो क्या औचित्य रह जाता है कि वो सड़क पे गाड़ी निकालने से पहले उसको टैक्स देना पड़े, बताइए मुझे। आपने बदरपुर वाला टोल का आपकी सरकार में था? नहीं नहीं, हमारी सरकार में था, लेकिन अब सुनिए, अब ये बीजेपी ने है, हमारी सरकार में कहीं कुछ कमियां रही होंगी तो पब्लिक ने उसका हिसाब भी बराबर कर लिया। मैं उसी में जाना चाहता हूं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है नेताओं की, मेरी सरकार ने मेरी पार्टी ने किया तो ठीक किया, दूसरी ने किया तो गलत किया। नहीं, मैं पूरी बात में कहने जा रहा हूँ, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले जो काफी बड़े नेता भी हैं जिनका मैं नाम तो क्या लूं, उन्होंने टोल टैक्स पे धरना दिया था और पब्लिक से एक कमिटमेंट किया था, एक हमारी सरकार आएगी तो कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा। आज आप देखेंगे टोल टैक्स बजाय घटने के और टोल टैक्स की संख्या बढ़ी है, आप सहमत हो इस बात से? ठीक बात है, बिल्कुल। नंबर दो मैं कहना चाहूंगा, आपने पार्लियामेंट में भी स्पीच सुनी होगी बहुत बड़े नेताओं की, बीजेपी से जो हैं, वो कहते हैं 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। जी, आपको मैं बता सकता हूँ, आप दूरी माप लें, सराय से गदपुरी कितना पड़ता है, सराय से बंदवाड़ी कितना पड़ता है, और सराय से सोहना कितना पड़ता है, और सराय से अटाली कितना पड़ता है। चलो, टोल ये मैं वीडियो के रूप में दिखा सकता हूँ। ये जो आप सराय वाला टोल कह रहे हैं बदरपुर बॉर्डर वाला, उसके लिए NHAI ये कहता है कि ये टोल नहीं है, ये अगर आपको फ्लाईओवर से चढ़ना है अगर, तो आप उसको सुविधा शुल्क है, अगर आपने फ्लाईओवर नहीं चढ़ना तो आप नीचे से निकल जाओ, कोई टोल नहीं देना पड़ेगा। नहीं देखिए, आप ऐसे तो वो भी कह सकते हैं, एक आप गदपुरी ना जाके लालपुर से निकल के पलवल, ये तो घुमा फिरा के पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है।
आप, मैं तो ये कहता हूँ मत जाओ गदपुरी। हाँ। अगर फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आप क्यों जाते हो गदपुरी, टोल टैक्स क्यों देते हो आप। हाँ। ऐसे कीजिए, बल्लोगढ़ से जाइए और वाया लालपुर मोहना और आप उसमें चढ़ जाइए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे फिर इसको, यानी घुमा फिरा के पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इतनी असुविधा होती है, और फिर आप देखेंगे किसी भी अपनी कमिटमेंट पे, किसी अपने जो लीगली पब्लिक से कहा है उस पे कहीं बीजेपी के नेतागण, बीजेपी की सरकार टिकी है क्या? अब मुझे बताइए, बहुत सी क्लाउज है। एक, अगर वहाँ लाइन लगती है इतने मीटर, सपोज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 300 या कितना, तो टोल फ्री कर दिए जाएंगे। आपने कभी, आप भी रोड पे चलते हो, टोल फ्री होता देखा है क्या? दूसरी बात, आपने अगर उस पे कहते हैं का किसी तरीके का उसमें फॉल्ट है उनके सिस्टम में, तो टोल फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं भी उस तरीके का हमें देखने को नहीं मिलता। अगर माने तो टोल वैसे तो गुंडागर्दी का अड्डा होते हैं, टोल पर बाउंसर होते हैं, और आपने कई घटनाएं देखी होंगी कि टोल पर कई बार भद्र लोगों के साथ में भी इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार और बर्ताव होता है कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। डागर साहब, आपने टोल वाली बहुत बड़ी बात कही, और मैं टोल पे आपसे लास्ट बात पे आ रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ जी, हाँ जी, उसने लगभग 30% टोल नाके वहाँ बंद कर दिए। हाँ जी। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने हरियाणा में 11 टोल नाके बंद किए, जिनमें से एक ये भी था गुड़गावा वाला टोल। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की याद दिलाना चाहूंगा। हाँ। आपको मैं गलत तो नहीं कह रहा, उसमें एक जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर ने ये घोषणा की थी, जो 11 टोल टैक्स आप बता रहे हैं उसमें गुड़गावा का भी था। हाँ। गुड़गावा का टोल टैक्स बंद किया जाएगा। हाँ। और उसके 10 दिन बाद, हाँ, टोल से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उनकी ये आती है कि नहीं ये टोल टैक्स कुछ नहीं है, ये बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। तो बताइए कहीं क्या आप किसकी हम बात पे भरोसा कर, मतलब चलो उनका तो जुबानी जमा खर्च हो गया। हाँ, मनोहर लाल जी का। हाँ। तो यही छोड़ देते हैं उनको, भाई घोषणा कर दी, उन घोषणा है तो घोषणा ही है। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी, मैंने आपको जिम्मेदार पद पे, देखिए मुख्यमंत्री का पद स्टेट में सर्वोच्च पद होता है, और उस पे बैठ के आदमी का बोलना और कुछ कहना वो बहुत बड़े मायने रखता है। पब्लिक उससे ओपिनियन बनाती है और पब्लिक उसको फॉलो करती है। तो मैं नहीं समझता इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना, या कह के और उसको पूरा फॉलो नहीं करना, उस पर पूरा नहीं उतरना, तो इस पर कहीं लोगों में ना जी ये बहुत संशय पैदा करता है। ये जो दोनों टोला बता रहे हैं, गुड़गांव वाला और ध्वज वाला, ये दोनों पिलोड़ी की हैं। हाँ जी। लोक निर्माण विभाग के, हरियाणा गवर्नमेंट के। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया इस पर। हाँ जी। आपकी सरकार अगर आती है, हाँ जी, NHAI के टोल चलो आपके हाथ में नहीं होंगे, आप कह दोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, तो हाँ जी, हाँ जी, क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो टोल होंगे, पीलोड़ी वाले टोल जो हैं, क्या आपकी सरकार आने पर आपकी पार्टी में आप ऐसी कोई अप्रोच करेंगे कि वो घोषणा कर दें चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार है तो हम हटा देंगे सारे? निसंदेह हम इस समस्या को उठाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। देखिए बहुत तरीके के समाधान होते हैं, बहुत तरीके के समाधान होते हैं, और मुझे भरोसा है कांग्रेस की सरकार आने पे लोगों को कम से कम इतनी समस्या का सामना नहीं करना, नहीं करना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में, मैं ये नहीं कहता सारे टोल टैक्स हटा देंगे, लेकिन हमारे जो आला नेता हैं उनके नज़र में भी है और हम लोग उठाते भी हैं, और सरकार आने पे बिल्कुल मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ हम लोग इसको, बिकॉज हम भुक्तभोगी हैं, हम ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, हमें पता है क्या चीज़ों के पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है, किस चीज़ से दिक्कत आती है। तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार आने पे इसका उचित समाधान किया जाएगा। अभी हेम चौधरी जी ने ग्राउंड लेवल की बात की और किसान वाली बात कर रहे थे, तो आपके साथ जोड़ता चलूं कि लगभग 2 दशक से मैं भी इनसे परिचित हूं, लगभग 20 साल से, और ये सोशल वर्क जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें खासे सक्रिय रहते हैं, और किसान वाली बात जो आप बता रहे थे, तो किसान सेल के जो कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश की इकाई है उसके आप पार्टी के महासचिव। महासचिव जी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ जी, मैं ऐसे ही नहीं आपसे कह रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2004 में जब हमारी सरकार सेंटर में आई थी, मैं आपको बहुत बड़ी तथ्य के साथ बताना चाहता हूँ, हमारी हम लोगों की यहाँ जमीन एक्वायर हुई थी, हमारे खुद अपने 59-58 सेक्टर में, तो हम लोगों को एक बड़ा फेस करना पड़ा। उस पर सरकार
कैपिटल गेन और इनकम टैक्स जी, वो हुआ क्या कि हम लोगों को ये सभी जिनकी जमीन है किसानों की एक्वायर हुई, वो ये समझते थे कि भाई ये तो हमारा सरकार से एक नंबर का पैसा है, तो वो हमें समस्या का सामना करना पड़ा। और जब हमारी 2004 में सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो हमने उस वक्त आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से सांसद बने थे, बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने काफी मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। तो जब हमारे इलाके के सब लोग इकट्ठा होके आए, तो मैंने उस वक्त हमारा एक संगठन होता था किसान जागृति मंच, तो उससे पहले भी मुझे याद है बीजेपी की सरकार होती थी तो हमारे एरिया के पूरे लोगों ने इकट्ठा होके वो समस्या बीजेपी के सामने उठाई थी, लेकिन हमें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिला था। फिर जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ और सरकार बनी 2004 में, खुद मुझे याद है मेरे साथ पूरे एरिया के लोग को साथ लेके हम लोग भूपेंद्र हुड्डा जी से मिले और हमने वो समस्या उनके सामने रखी। तो बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ सरकार आने पे भूपेंद्र हुड्डा जी ने इतनी मेहनत की थी, पूरा जितने देहाती बैकग्राउंड के एमपीज थे उन सब को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री उस वक्त चिदम्बरम जी होते थे उनके साथ, इस समस्या को अच्छे तरीके से रख के और समाधान कराया। ये ऑन रिकॉर्ड बजट सेशन में है ये जी, इतना बड़ा जो पूरे देश की समस्या थी। तो मुझे भरोसा है कांग्रेस की सरकार में ये होना चाहिए, कोई उस समस्या को उचित प्लेटफॉर्म पे उठाने वाला होना चाहिए, वहाँ सुनवाई होती। तो ये तो हेम जी ने खुद ही स्पष्ट कर दिया, क्योंकि राजनीति के अंदर आता है कि अमुक नेता का समर्थक अमुक नेता के गुट से, तो इन्होंने बता दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुड बुक्स में है, आपकी बातों में खुद से निकल के आ गया। और हरियाणा की राजनीति के अंदर इस समय अगर आप मान करके चलें, तो जब लोकसभा का चुनाव पिछले दिन हुआ और उस चुनाव के अंदर जो सांसद बन के आए, आप वहीं से देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी प्रभावी नेता हैं। तो हेम जी, कितना आपको लगता है प्रथला विधानसभा, जहाँ से आप तैयारी करने की बात आपकी चल रही है, हुड्डा साहब का सहयोग कितना मिलेगा? देखिए, मैं तो सवाल हुड्डा साहब के मेरे ऊपर सहयोग के नहीं है, हुड्डा साहब निष्पक्ष तरीके से पार्टी के प्रति सोचते हैं, हुड्डा साहब का पूरे तरीके से पार्टी के प्रति समर्पण भाव होता है, वो ये सोचते हैं कौन आदमी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रथला पूरे तरीके से किसान बाहुल्य क्षेत्र है जी, तो कौन आदमी वहाँ की समस्याओं से वाकिफ है, कौन आदमी उचित प्लेटफॉर्म पे समस्याओं का समाधान कराता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का ग्राफ जब बढ़ता है, जब वहाँ के कार्यकर्ता या विधानसभा स्तर के नेता या लोकसभा स्तर के नेता वहाँ की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाते जी जी, तो हुड्डा साहब, मैं तो फिर कहता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे 30 साल हुड्डा साहब के साथ काम करने का मौका मिला, मैं छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ और इसमें कोई मैं ग्रुप रूप नहीं मानता, बस मुझे काम करने का मौका मिला, बाकी तो मैंने पार्टी के लिए काम किया। तो हुड्डा साहब अच्छी तरीके से वहाँ के जो स्थिति है विधानसभा क्षेत्र की वाकिफ हैं, और मैं तो समझता हूँ जो मैंने काम किया है और पार्टी के प्रति पूरी समर्पण भाव से काम किया। देखिए, 2000 हमारे प्रथला विधानसभा क्षेत्र का मैं बताना चाहता हूँ, 2009 में अस्तित्व में आया जी, और जिस वक्त 2009 में अस्तित्व आया, तो पहला इलेक्शन हमारा 2009 का, उस वक्त भी मैं सशक्त दावेदार था, पार्टी ने, हाँ जी पार्टी ने टिकट दूसरे भाई को दे दिया, वो भी हमारे साथी हैं जी। हमने पूरे तन मन और धन के साथ उनको सपोर्ट किया, क्योंकि मैं समझता हूँ पार्टी अगर सत्ता में होगी तो ही कार्यकर्ता की बात की सुनवाई होती है। हमने 2009 में वहाँ से रघुवीर तेवतिया जी को पूरा मेहनत करके जिताया, उसके बाद भी पार्टी को लगा कहीं उनको इलेक्शन लड़ाए, तो हमने बराबर अभी तक रघुवीर तेवतिया जी इलेक्शन फाइट किए 2014 में भी और 2019 में जी। तो हमने अपने कार्यकर्ता होने के नाते अपना फर्ज निभाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को पार्टी भी देखती है, नेता कोई हो, हुड्डा साहब तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो जब हमने कभी भी पार्टी से बगावत नहीं की, पार्टी का पूरा हमने दिल से साथ दिया, और बुरी स्थिति में भी
जब बहुत से लोग हैं जो पार्टी को छोड़ के चले गए, तो हम पार्टी में हमने ना केवल रहे, हमने वहाँ रुक के काम भी अच्छे तरीके से किया। तो इन सब चीज़ों से मैं तो ये कह सकता हूँ, क्यों ना हमें पार्टी कंसीडर करेगी। हाँ, आप देखें, हेम जी ने बातों बातों में बिना पूछे हुए बता दिया कि 30 साल का रिश्ता है, आज का नहीं है, 3 दशक से हुड्डा साहब के साथ हैं। ये कला होती है वाक्पटुता की, बताने की कि देखो मैं नया नहीं हूँ और 3 दशक से मैं साथ हूँ। ये भी बता दिया कि 2019 में भी टिकट मांगा था, 2009 में भी, ये भी कह दिया कि पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो साथ लगे रहे। और इसलिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं पार्टी हम पर भरोसा करेगी अगर हम उस टाइम भी साथ रहे जब लोग सब छोड़ करके जा रहे थे। हेम जी, वैसे ग्राउंड की क्या रियलिटी, क्या तैयारी? देखिए, ग्राउंड की मैं बताना चाहता हूँ जी, मैं प्रगतिशील किसान क्लब का भी चेयरमैन हूँ अब से नहीं, मैं 2009 में जब सरकार थी, 2009 नहीं, मैं ये कह सकता हूँ 2005 से मैं प्रगतिशील किसान क्लब का चेयरमैन हूँ। और मैंने उस प्लेटफॉर्म पे नॉन पॉलिटिकल तरीके से जी काम किया, उसमें मैंने सभी जितने भी किसान भाई हैं वो उनकी विचारधारा, भले ही कोई बीजेपी की विचारधारा का हो या इनेलो की विचारधारा का हो या कांग्रेसी विचारधारा को, तो मैंने वो सारी चीज़ें भुला के उन लोगों की जो समस्याएं थी जब हमारी सरकार थी 2005 में और 2009 में जब आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो मुझे बड़ा मौका मिला, मैंने किसानों की समस्याओं को उस प्लेटफॉर्म पे होते हुए मैंने हल कराया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसान बाहुल क्षेत्र है पृथला विधानसभा क्षेत्र, तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं, मेरा एक अपना काम करने का तरीका होता था, मैं हर महीने हम खुले दरबार लगाते थे और मैंने एक टीम बनाई हुई थी जिसमें बड़े साइंटिस्ट थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट थे, तो हम लोग जो प्रोग्राम कराते थे तो हम लोगों को अवेयर करते थे कि किस तरीके से साइंटिफिक वे से खेती की जाए, क्योंकि अब जमीनों की जोतें कम होती जा रही हैं, तो पुराने डर्रे पे रह के किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। जी जी जी। उसमें हम लोग थ्रू साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है खेती के, उसमें सारा हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था, उसमें बिजली बोर्ड होता था, उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट होता था, उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता सभी, था सभी सारे सारे हाँ जी सभी कृषि वो एक्चुअली हमारे एक क्लब के साथ में वो जुड़े हुए थे। तो मैं उन लोगों को उस तरीके से प्रोत्साहित करता था, एक कैसे एक किसान अब जोत कम होने के बावजूद, जमीनों की मलकियत कम होने के बावजूद कैसे सर्वाइव कर सकता है। फिर जो किसानों की समस्या होती थी उसको हम सारे अधिकारियों के साथ में, मैं आपको बड़े गर्व से कह सकता हूँ, मेरी मीटिंगों में उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे इतना सहयोग मिला, उस वक्त जो DC होते थे 3-3 घंटे हम लोगों की मीटिंगों में बैठ के गए, तो हमने जो किसानों की समस्याओं को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख के सोल्व कराया, तो वो एक ऐसी कड़ी थी, वो एक ऐसा जरिया था जिसमें हमें लोगों का सेवा करने का माध्यम था और मौका मिला हमें। तो वो चीज़ें हमें आज भी, जो हमारे मेंबर्स थे जो हमसे जुड़े हुए थे वो सभी हमारे से जुड़े हुए हैं, आज भी हम उसी पैटर्न पे लोगों में जाके अभी भी हम जो समस्या होती है तो हम उच्च जो भी अधिकारी होता है, कंसर्न अधिकारी है, उनके सामने रखते हैं। तो लोगों को भरोसा है, एक जो आदमी 30 साल से हमारी समस्याओं को उठाते जा रहा है तो स्वाभाविक है उनका सहयोग हमें, अगर हमें पार्टी मौका देती है इलेक्शन लड़ने का तो उन सभी का सहयोग हमें मिलेगा जी। तो राजनीति के अंदर बहुत जरूरी एक बात और है दोस्तों, एक समय वो था कि जब केवल लंबे चौड़े भाषण देने वाले नेताओं को पसंद किया जाता था, आज खासकर जब बदलता युग है, उस बदलते समय के अंदर चाहे वो किसान हैं चाहे वो युवा हैं, सब सोचते हैं कि प्रोडेंशियल अगर व्यक्तित्व हमारे सामने होगा, यानी कि जो विकास की बात करता हो, जिसके पास कोई योजनाएँ हों, जिसके पास, खासकर अगर हम देखें तो भारत कृषि प्रधान देश है, आज भले ही कितने बड़े बड़े भवन बन रहे हों, इंडस्ट्रीज आ रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब कृषि खोती जाएगी तो भारत का जो मूल है, जो आत्मा है, वो कहीं डाउन होती है। तो हेम डागर जी जो बता रहे हैं कि उनके पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और उसको लेकर के उन्होंने पहले काम करके दिखाया भी है। अंतिम सवाल पे आपके साथ आते मैं एक और सवाल आप अंतिम से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए ना केवल मैंने अपना स्टेट गवर्नमेंट के सामने से ये समस्या उठाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल जी ने पूरे देश से 300 प्रतिनिधि
भुला के और किसान संसद के रूप में एक प्रोग्राम गन्नौर में किया था, गन्नौर में, और उसमें उनका मकसद था एक हम किसानों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसको हम मैनिफेस्टो में भी डालें और हमारी कोशिश होगी कि हमें लोगों की समस्याओं का पता हो और क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बड़ा भाग्यशाली था, उन 300 में मुझे भी शरीक होने का, हरियाणा के 300 किसान नहीं, नहीं पूरे प्रदेश के, नहीं सॉरी पूरे देश के, देश भर के 300, पूरे 300, पूरे देश से 300 जो बुलाए गए थे उनमें से मैं भी एक था। और जब मेरा नंबर आया तो राहुल जी ने पूछा है कि हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं डागर साहब, तो मैंने एक ही जवाब दिया, एक आप किसानों का बिल्कुल भी जो ये कर्जे माफिया इस तरीके का वो पैटर्न छोड़ के देखिए, किसानों की एक बड़ी समस्या है, किसानों के पास में कैश लिक्विडिटी नहीं होती जी, और किसान बहुत आत्मसम्मानी होता है जी, बिल्कुल, वो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा वो अपनी भले उसकी जमीन जायदाद बिक जाए उसे अच्छा मानता है। तो एक समस्या मैंने बड़ी गहराई से देखी, जब किसान के घर से कोई बीमार होता है और वो अच्छे से अच्छा इलाज कराना चाहता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता था तो 6-6, 7-7, 10-10 लाख में वो बिल पे करके निकलता था और उसमें उसकी जमीन बिक जाती थी, गिरवी हो जाती है। तो मैंने ये राहुल जी के सामने रखा तो राहुल जी कहने लगे फिर इसमें क्या कर सकते हैं, मैं कि जी इसमें जिस तरीके से आपने या कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने राइट टू फूड बिल बनाया उसी तरीके से राइट टू हेल्थ बिल बनाया जाए, यानी किसान के घर से कोई बीमार पड़े तो वो जाके सीधा हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे जिसमें वो पसंद करे हॉस्पिटल में जाए और अपना इलाज करा के घर आ जाए। आप उसकी जगह मत कीजिए कर्जे माफी या मत कुछ कुछ भी फ्री का मत बांटिए, फिर क्या होगा, दूसरा किसान को अपनी फसल का उचित भाव मिले, बिल्कुल उचित उसका एक प्लेटफॉर्म हो जहां अपनी फसल को बेच सके। तो ये चीजें हमने उठाई तो हमें बड़ा मौका मिला ऊपर तक किसानों की बात उठाने का। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास समय कम है, मैं तो आप पूछेंगे तो आधा घंटा अपनी उपलब्धि बता सकते, अगली बार लेंगे। आपने अभी बोला राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ करके मैंने सुझाव दिया, राइट टू फूड यानी कि खाने का अधिकार। आज जो सरकार की आप योजना देखते होंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार में कहा जाता है कि वो राशन जो पहुंचाया जाता है, कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, वो उसी योजना का पार्ट है जो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के समय में आया था, राइट टू फूड बिल। और आज समय की ज़रूरत है, हालांकि राइट टू एजुकेशन भी आया था उस समय, हाँ जी मैं आपको पूरा करता हूँ, उसमें हाँ भी राइट टू एजुकेशन भी आया था, उसके अंदर 134 और 3-4 धाराएँ जोड़ी गई थी, लेकिन राइट टू एजुकेशन का आज तक भी उतना पूरा सफल लोगों को या पूरा जो मिलना चाहिए उसका फ़ायदा वो अभी नहीं मिल पा रहा। और ये समय की ज़रूरत है कि राइट टू फूड की तरह राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, यानी कि स्वस्थ रहने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, ये समय की बहुत बड़ी आज ज़रूरत है और ये सरकारों को देखना चाहिए। खैर डागर साहब, अंतिम सवाल पर आपसे वही बात कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस का 2 बार चुनाव आपकी पार्टी में हार चुकी है। हाँ जी हाँ जी, देखिए मैं मानता हूँ इसको, ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा और हम मानते हैं 2 बार पिछले जो विगत विधानसभा का चुनाव हुआ, और जोड़ देता हूँ पिछली बार तो आपकी पार्टी एक निर्दलीय कैंडिडेट से हारी और 16,500 का बड़ा अंतर था। देखिए बग्गू जी, हमारी आदत, हम कांग्रेसियों की आदत ये नहीं है कि जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है उससे भी हम मुखर। मैं बिल्कुल मानता हूँ पिछला 2019 का विधानसभा का इलेक्शन हम लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हारे और हमने माना, पब्लिक का जो मैंडेट था, पब्लिक ने जो निर्णय दिया हमने हाथ जोड़ के वो स्वीकार किया। और ये भी याद है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, 2014 में भी हमारा जो कैंडिडेट थे वो इलेक्शन हारे तीसरे नंबर पर चले और, गए और हाँ जी तीसरे नंबर पे 2014 में गए और इस 2019 के इलेक्शन में, बल्कि मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, लगभग 17,000 वोटों से हम लोग इलेक्शन हारे। और देखिए पार्टी भी, हमारी पार्टी में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। राहुल जी ने ये कहीं ना कहीं महसूस किया, अगर कोई आदमी बराबर इलेक्शन हार रहा है लगातार,
तो वो समझते हैं कहीं ना कहीं पब्लिक की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतर रहे। और दूसरा ये भी है राहुल जी का सोचना एक फिर आगे पीडी कैसे तैयार हो अगली। तो राहुल जी ने एक अधिवेशन हुआ था उसमें जहाँ तक मुझे याद है ये प्रस्ताव लाया गया था और स्वीकार किया, पास भी हुआ है, जो एक कंस्टिट्यूएंसी से लगातार दो बार इलेक्शन हारेगा उसको टिकट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। तो अच्छी सोच है राहुल जी की और हर पार्टी में होना चाहिए जी। अगर कोई आदमी लगातार इलेक्शन हारता जा रहा है तो हम उसको केवल पार्टी की कमी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं उस इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्तित्व की भी कमी होती है। तो ये सही सोचना है और मैं तो कहता हूँ इस पॉलिसी को तो सारी पार्टियों को लागू करना चाहिए। हमारी पार्टी जो राहुल जी ने किया मैं तो बड़ा उसका जो है ना स्वागत करता हूँ, और ना केवल किया उसको इम्प्लीमेंट भी किया। आपने देखा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हाँ भिवानी से हमारी बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, बहुत आदरणीय और अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती थी श्रुति चौधरी जी, वो दो बार इलेक्शन हार चुकी थी। तो आपने देखा एक राहुल जी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए पार्टी ने एक दूसरे आदमी को मौका दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आगे भी सभी लोगों की ये सोच है कि ये होना भी चाहिए, क्यों आगे अगर आप एक ही आदमी को बराबर 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 मौका देते जाओगे और वो कहीं अपनी उस पर पार नहीं उतरेगा, पब्लिक की आकांक्षाओं पर पार नहीं उतरेगा, तो फिर पार्टी का भी इसमें कहीं नुकसान होता जाएगा और पार्टी को आगे जो पीढ़ी तैयार होनी है वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा। तो उनकी पॉलिसी है पार्टी की और हम तो सम्मान करते हैं और हमारा तो यही कहना है हमें पार्टी मौका देगी। हम 30 साल से लगातार पिछले से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और अगर पार्टी ने मौका दिया तो बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, ऐसा मैं पब्लिक में रहते हुए पृथरा विधानसभा क्षेत्र की लोगों की नबज को देखते हुए कह रहा हूँ। क्योंकि मेरा पिछले 2 साल से मैं लोगों में बिना शोर शराबा किए फेस टू फेस में लोगों में मिलता हूँ, हर गांव में जाता हूँ, मैं कोई शोर शराबा कोई हो हल्ला नहीं करता, लोगों से एक एक आदमी से बैठ के बात करता हूँ, उनकी सुनते हैं हम और उनकी सुन के फिर हमें ये मौका भी मिलता है। एक आखिर में जनता क्या चाहती है, क्योंकि आपको कभी भी अगर बहुत बड़ी भीड़ लेके आप चलोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा किसी से, सही बात नहीं आएगी हमारे, और ना उसको भी मौका नहीं मिलेगा, सामने जो खड़ा है तो वो हाथ जोड़ के बस आपको टला देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पिछला 2 साल से मैंने जो अभियान चलाया हुआ है मतलब 1-to-1 मिलने का, और मैं उसमें ये भी नहीं करता है कौन पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का है, कौन बीजेपी की विचारधारा का है या कौन अन्य दल की विचारधारा का, मेरा मकसद ये होता है सभी लोगों के पास जाके उनकी बात सुने, हम लोगों को ये पता लगे जनता क्या चाहती है और उचित टाइम आने पे उन जनता की जो समस्या है, जनता का जो सोचना है, उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरे। तो मैं तो अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, देखिए आप दो बार का हम लोग इलेक्शन हारे वो तो आपने छेड़ दिया, लेकिन एक बात आप भूल गए, पिछले लोक अभी विगत दिनों में लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हम पृथला विधानसभा क्षेत्र से लगभग 8,000 के वोटों से लीड किया। तो पब्लिक जनता ने जो बीजेपी को मौका दिया था तो कहीं ये भी आप मान सकते हो वो भी अपने वायदे पे पूरा नहीं उतरी, तो लोग बिल्कुल इंतजार किए बैठे हैं कब चुनाव आए और कब हिसाब, मतलब पिछला हिसाब किताब चुकता कर दें। तो ये है हेम चौधरी जो बता रहे हैं कि भले ही दो बार चुनाव हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारे, बोलते हैं कि पार्टी की नहीं व्यक्तित्व की हार भी हो सकती आपको है। आपको रोक के कहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था, हेम चौधरी कहते थे, अब मुझे हेम डागर के नाम से जान, चलिए पुराना नाम चढ़ा हुआ पुराना नाम। हाँ, तो हेम डागर जी ने हम भी ठीक कर लेते हैं। हेम डागर जी जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उससे उत्साहित हैं, वो फैसले बड़े, जो जनता का फैसला इनकी फेवर में था, भले ही लोकसभा हारी लेकिन पृथला जीते। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि किसान के लिए उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या सोच है, क्या होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने टोल वाले मुद्दे को उठाया, कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो जनता शायद फील गुड कर ले कि टोल कम हो सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें कर। हाँ। ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया
तो उनका भी और कांग्रेस का भी भविष्य उज्ज्वल है पृथला विधानसभा क्षेत्र में। तो हेम डागर जी, हमारी भी आपको शुभकामनाएं कि आपका वाकई आने वाले जो 50 दिन हैं वो आपके लिए और स्वर्णिम फलीभूत हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाजत लेते हैं देश रोजाना तो के दर्शकों से। धन्यवाद करता हूं, आपने मौका दिया जी जी इस बहाने से हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात भी रखने का, उसकी जो स्थिति है वो भी आगे आने का, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे और लोग आगे उचित फैसला करेंगे, यही मेरी उम्मीद करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आने वाले वीडियो में किसी और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।